काया, आपने कभी रात को आसमान में देखा है एक तेज चमकती हुई रोशनी? यह रोशनी इतनी तेज होती है कि आप पलक झपकते ही यूसे को देते हैं। वो अचानक से गायब हो जाती है और आप सोचते रह जाते हैं कि आपने सच में देखा भी था या नहीं। यह एक ऐसा पल होता है जो हमेशा याद रहता है। हम अक्सर इन्हें शूटिंग स्टार्स कहते हैं, लेकिन ये स्टार्स बिल्कुल भी नहीं होते। ये एक गलत फहमी है जो बहुत लोगों को होती है। ये एक्चुअली मीटियोरॉइड्स, मीटियर्स या मीटियोराइट्स खिलाए जाते हैं और ये हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं। हर एक का अपना अलग सफर होता है। ये स्पेस ऑब्जेक्ट्स थोड़े मिस्टीरियस लग सकते हैं, लेकिन इन्हें समझना एक स्पेस पजल सॉल्व करने जैसा है। जैसे जैसे हम इन्हें समझते हैं, वैसे वैसे हमारे यूनिवर्स के राज खुलते हैं। इनके नाम थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, लेकिन चिंता मत करो, एक बार जब आप जान जाओगे कि क्या देखना है तो ये बहुत सिंपल है। ये एक फैसिनेटिंग जर्नी है जो आपको स्पेस के और करीब ले जाती है। तो चलिए एक कॉस्मिक एडवेंचर पर निकलते हैं और इन स्पेस रॉक्स के जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं। ये एक ऐसा सफर होगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे। हमारा सोलर सिस्टम बहुत ही बिजी जगह है, जहां प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स और बहुत सारा डस्ट और रॉक्स हैं। ये रॉक्स और डस्ट पार्टिकल्स जो अक्सर कमेट्स या एस्टेरॉइड्स के टकराने से रह जाते हैं, मीटियोरॉइड्स कहलाए जाते हैं। इमेजिन करो कि ये छोटे छोटे एडवेंचरर्स हैं जो स्पेस में घूमते रहते हैं। कुछ मीटियोरॉइड्स तो रेत के कण जितने छोटे होते हैं, जबकि कुछ कण जितने बड़े भी हो सकते हैं। ये बहुत तेज गति से ट्रैवल करते हैं, स्पेसमैन इधर उधर घूमते रहते हैं, जब तक कि उनका रास्ता उन्हें अर्थ के पास न ले आए। नाउ होल्ड ऑन टाइट, क्योंकि यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जब एक मीटियोरॉइड अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो ये बहुत तेज गति से ट्रैवल करता है। एयर से होने वाला फ्रिक्शन बहुत तेज गर्मी पैदा करता है, जिसे मीटियोरॉइड तेज चमकने लगता है। ये चमकती हुई रोशनी ही मीटियर या शूटिंग स्टार कहलाती है। ज्यादातर मीटियर्स एटमॉस्फेयर में ही पूरी तरह जल जाते हैं और कभी जमीन तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन कभी कभी बड़े मीटियोरॉइड्स इस गर्मागर्म सफर को पार कर जाते हैं और अर्थ की जमीन तक पहुंच जाते हैं। तब इन्हें एक नया नाम मिलता है, मीटियोराइट्स। सेक्शन 4, आसमान से जमीन तक मीटियोराइट्स की कहानी। यह कहानी है उन अनोखे पत्थरों की जो स्पेस से आकर हमारे प्लेनेट पर लैंड करते हैं। मीटियोराइट्स वो लकी सर्वाइवर्स होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू आग के उस सफर को पार कर जाते हैं। ये एक आग का सफर होता है जो उन्हें एक चमकते हुए पत्थर में बदल देता है। ये स्पेस रॉक्स के तुकड़े होते हैं जो एक्चुअली हमारे प्लेनेट पर लैंड करते हैं। हर एक मीटियोराइट अपने साथ एक कहानी लेकर आता है, एक कहानी जो बिलियंस ऑफ इयर्स पुरानी होती है। मीटियोराइट्स को स्टडी करके साइंटिस्ट सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों और बिलियंस ऑफ इयर्स अगो की कंडीशंस के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। यह एक टाइम कैप्सूल की तरह होते हैं जो हमें हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं। मीटियोराइट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, हर एक यूनिवर्स के बारे में क्लूज देता है। कुछ मीटियोराइट्स रेयर मिनरल्स और एलिमेंट्स को भी अपने साथ ले आते हैं। कुछ तो मोस्टली आयरन और निकल से बने होते हैं, जबकि कुछ रॉकी होते हैं, जैसे हमें अर्थ पर मिलते हैं। हर टाइप का मीटियोराइट अपनी ऐप में यूनिक होता है। मीटियोराइट खोजना एक रेयर और एक्साइटिंग इवेंट होता है, जैसे आप स्पेस का एक टुकड़ा अपने हाथ में पकड़े हुए हों। यह एक ऐसा अनुभव होता है जो आपको स्पेस के करीब ले आता है। सेक्शन 5, फेमस फॉल्स मीटियोराइट्स जिन्होंने इतिहास रचा। हिस्ट्री में ऐसे कई फैसिनेटिंग मीटियोराइट्स रहे हैं जिन्होंने हमारी इमेजिनेशन को अपनी ओर आकर्षित किया है। एक फेमस एग्जाम्पल है बैरिंजर क्रेटर इन एरिजोना, USA। जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा जो हजारों साल पहले एक मीटियोराइट के इंपैक्ट से बना था। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है अलेंडे मीटियोराइट की, जो मेक्सिको में 1969 में गिरा था। यह मीटियोराइट इसलिए खास है क्योंकि इसमें ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से भी पुराने हैं और हमें यूनिवर्स के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। सेक्शन 6, अनलॉकिंग स्पेस सीक्रेट्स। व्हाई मीटियोराइट्स मैटर। मीटियोरॉइड्स, मीटियर्स और मीटियोराइट्स भले ही सिंपल स्पेस रॉक्स लगें, लेकिन ये उस यूनिवर्स के बारे में महत्वपूर्ण क्लूज रखते हैं। ये क्लूज हमें हमारे ब्रह्मांड के अतीत और भविष्य के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इनका अध्ययन करके हम अपने सोलर सिस्टम के निर्माण, दूसरे प्लैनेट्स की संरचना और यहाँ तक कि अर्थ से परे जीवन की संभावना के बारे में जान सकते हैं। मीटियोराइट्स में ट्रैप्ड गैसेस और मिनरल्स होते हैं।
जो हमें उन एनवायरनमेंट्स के बारे में बताते हैं जहां से ये आए हैं। तो अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें और एक शूटिंग स्टार देखें, तो इन स्पेस रॉक्स के अविश्वसनीय सफर को याद करें। ये सफर लाखों मीलों का होता है और ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि हम एक विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ये सिर्फ रोशनी की लकीरें नहीं हैं, ये स्पेस से आए हुए मैसेंजर्स हैं जो अरबों साल पुराने सीक्रेट्स अपने साथ लाए हैं। ये सीक्रेट्स हमें हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में बताते हैं। और कौन जानता है, हो सकता है कि आप खुद भी किसी दिन एक मीटियोराइट खोज निकालें। ये एक अद्भुत खोज होगी जो आपको ब्रह्मांड के रहस्यों से जोड़ देगी।